नमस्कार दोस्तों दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोग्रेस टी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके रेलवे NTPC के पैरामेडिकल पोस्ट जैसे स्टाफ नर्स और RRB NTPC SSC CGL CHSL और UP SSC एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ आप इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, ये हैं आपके साइंस के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इन प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न आपका क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो कहाँ पे भंडारित रहता है? लीवर में यानी यकृत में। तो दोस्तों, इसमें ये है कि अगर हम आप भोजन करते हो और जो भी चीज़ें आप खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हो, तो अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, तो वो एकृत ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करके अपने एकृत अपने आप में स्टोर रखता है, ठीक है। और बॉडी को जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, यानी जब आप भूखे रहते हो और खाना ज़्यादा देर तक नहीं खाते हो और आपको उस समय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तो वही ग्लाइकोजन जो कि चेंज होकर स्टोर रहता है एकृत में, वही ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, चेंज होता है और उससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको ये प्रश्न। नेक्स्ट हमारा है, लार किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार क्या स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है, ठीक है। तो लार जो है हमारे मुख में बनती है, मुंह के अंदर बनती है, और लार में एक एंजाइम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, टैलिन एंजाइम होता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है सॉरी, कहा जाता है कि हमें जब भी खाना खाना चाहिए चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। जब आप चबा चबा के खाना खाते हो तो क्या होता है, टाइलिन एंजाइम लार ग्रंथियों से ज़्यादा निकलता है और आपके भोजन का पाचन जो है मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है, मतलब मुंह से ही आपके भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपको आगे आने वाले जो आपकी चोटी आत हैं और भी हैं, तो आमाशय है, तो उस खाना पचने में काफ़ी आसानी होती है। तो फ्रेंड्स, खाना हमें चबा चबा के ही खाना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा है, दुग्ध निष्कासन हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का श्रवण करती है, कौन करती है? ये पीयूष ग्रंथि करती है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, जो कि कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। और नेक्स्ट हमारा है, इसमें सुमेलित है, तो सुमेलित में क्या है? जनन ग्रंथि, यानी क्या है, प्रोजेस्टेरॉन, मतलब कि एक हार्मोन है, ठीक है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ, किस में पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है पीयूष ग्रंथि, यानी पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये वृद्धि हार्मोन है, ये आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक ग्रंथि है, यहीं से हार्मोन का सिक्रेशन होता है और ह्यूमन बॉडी ग्रोथ करती है। नेक्स्ट हमारा है पैंक्रियाज, यानी अग्न्याशय, यहाँ से इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से हमें क्या हो जाता है, डायबिटीज डिजीज हो जाती है।
और अग्न्याशय पैंक्रियाज एक ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी यानी एंडोक्राइन और एक्जोक्राइन बोथ ग्लैंड का काम करती है। और नेक्स्ट हमारा है अधिवृक्क, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एड्रिनल, ये करती है कार्टिसोनोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस में पाया जाता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है एंजाइम। एंजाइम क्या है, एक लाइपेज क्या है, एंजाइम होता है। और फास्फोलिपिड क्या है, लिस्थिन। लिस्थिन एक फास्फोलिपिड है। और बहुलक पॉलीमर पॉलीथिलीन, जिससे कि पॉलीथीन बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। यानी आपने देखा होगा गाय और भैंस के दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अभी हालांकि इसका बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको खुले आम बिक्री पे इसके रोक लगा दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है कि एड्रेनलिन, क्रोध, भय और खतरा, ये हार्मोन जब आप गुस्से में होते हैं या आपको डर लगता है उस टाइम एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या होता है, ये स्त्रियों में निकलता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन आपके स्त्रियों यानी फीमेल्स में यह हार्मोन का सक्रेशन होता है। और नेक्स्ट हमारा इंसुलिन, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, उसका नियमन करता है इंसुलिन हार्मोन। और नेक्स्ट हमारा फेरामोन, गंध के बोध से साथी को आकर्षित करना, ये कीटों में पाया जाता है। और नेक्स्ट हमारा है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है, एक अमीनो अम्ल है। ओके, और नेक्स्ट हमारा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा यानी। और नेक्स्ट हमारा है थायराइड ग्रंथ से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है। यानी थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन को श्रावण करने में टीएसएच का योगदान होता है। आपने देखा होगा थायराइड, जिसको हाइपोथायराइड या थायराइड की प्रॉब्लम रहती है, वो टीएसएच का टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट होता है इसका। टीएसएच इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, और आगे हम अपना आगे आपका क्वेश्चन है, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है, ये आपका सिक्रेटिन हार्मोन है। ये आपका सिक्रेटिन हार्मोन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारा है इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगर हंस द्वारा। दोस्तों ये पैंक्रियाज की कोशिकाएं होती हैं और अल्फा बीटा और इसका आइलेट्स ऑफ लैंगर लेंस द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। एस्ट्रोजन क्या है, ये भी हार्मोन है, ये महिला हार्मोन है। और कौन पादप हार्मोन नहीं है, ये इंसुलिन। इंसुलिन मनुष्य में पाया जाता है जो कि ग्लूकोज को नियमन करता है बॉडी में, और ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है हृदय आराम करता है दो धड़कनों के बीच में। फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप जानते हो कि हार्ट एक ऐसा ऑर्गेन है बॉडी का जो पूरी जिंदगी भर काम करता रहता है और कभी आराम नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपकी दो हार्ट बीट्स होती हैं उनके बीच में ही थोड़ा सा रेस्ट कर लेता है। और नेक्स्ट हमारा थायरोक्सिन है एक हार्मोन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन गैस का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंसुलिन होता है प्रोटीन। इंसुलिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट हमारा है
पेसमेकर किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ये इसको क्या कहते हैं, एसे यानी सिनो एट्रियल भी कहते हैं। पेसमेकर का अन्य नाम एसे सिनो एट्रियल है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो आपका सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल हार्ट पेशेंट के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि इसके खाने से आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। और नेक्स्ट हमारा है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतन जोत यानी जट्रोफा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है, ठीक है। और हमारा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति एजेड होता है, आफ्टर 40 तो 40 वर्ष के बाद, तो क्या होता है, उसका जो ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे 20-25 वर्ष का व्यक्ति, तो उससे उसका उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है समुद्र में। नेक्स्ट हमारा, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस हार्मोन ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है, वो है मीथेन। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। दोस्तों, पशु जब जुगाली करते हैं तो उनके बॉडी में जो है मीथेन गैस का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस होती है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं क्या? ल्यूकीमिया कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आया, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो ये हेपेटाइटिस जो है वायरस द्वारा होता है। ये कई प्रकार का होता है, ए बी सी डी और ई, ये इसके प्रकार हैं। डिप्थीरिया से आप जानते हो, ये बच्चों में ज़्यादातर होता है और गले को प्रभावित करता है। नेक्स्ट मलेरिया, ये मच्छर के काटने से होता है, और एनाफिलीज नाम का मच्छर होता है जिसके काटने से मलेरिया बीमारी होती है। और नेक्स्ट हमारा है हैजा यानी कॉलरा। तो दोस्तों, ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन रहे साइंस के, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो भी आरआरबी एनटीपीसी स्टाफ नर्स और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपसे अगर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कर सकते हैं, और आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई